the staff which is posted in the tiger reserve, and mostly who are serving in the buffer area or on the fringe areas of the core. So the problem with them is that they cannot keep their families because of the two major issues, like one is education and another is health. Bhur Singh Public School, we started with the idea like we can provide good education to the children of or kids of the frontline staff. कॉलोनी के बच्चे थे, स्टाफ के बच्चे थे, कुछ गांव के बच्चे थे. बहुत मेहनत करना पड़ी. एकदम ही उनका कोई स्कूल का एक्सपोजर नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं था. मतलब 3-4-5 साल के बच्चे होते हैं तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर जाना पड़ता है. पेरेंट्स को भी लगा कि बच्चा चेंज हो रहा, तो फिर पेरेंट्स भी चेंज होने लगे. उनकी फैमिली, उनका कपड़े, उनका भी जो हम बच्चे में सुधार लाते थे, हाइजीन से लेके ब्रश, मतलब कपड़े अच्छे पहनना, वही चीज़ ऑटोमेटिकली उनकी फैमिली में भी आती गई. ये जो कान्हा बुर सिंह स्कूल चालू हुआ है, इसमें मेरी भी बेटी पढ़ने आती है, दीक्षा मरकाम. इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है बच्चों में. इंग्लिश राइम्स और हिंदी कहानियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छे से बोल पाते हैं, स्टेज पे आकर के बोलना. मेरा बेटा मोहनीश ध्रुवे इसी सीजन से बुर सिंह स्कूल में जा रहा है. वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छा है. आगे भी हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, जैसे क्लासेस हैं और अगर बढ़ जाएं तो हमारे बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और जो भी स्कूल के लिए सहयोग कर रहे हैं उनके हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ पे हेल्प मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है ताकि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे एजुकेशन करें. कान्हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डन वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स दैट अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्चुअली डू फॉर देयर स्टाफ. थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टाफ एंड देयर वेलबींग एंड द चिल्ड्रंस वेलबींग is, you know, par excellence. And this is a vision that I think the entire country needs to learn from, because the children who are going to be studying in a school like Bhur Singh School are the ones who tomorrow are going to be the saviors, protectors or destroyers of the forest. Last Wilderness Foundation has been working in Kanha Tiger Reserve for the past few years, but this initiative came up as a, you know, eureka to the department, one of the senior officers in the department. And he shared it with us and we really thought it was a wonderful thing to start. मेरा नाम रिचा नामदेव है. मैं कान्हा बुर सिंह स्कूल पे एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ लास्ट ईयर से. यहाँ के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी या अदर स्कूल पे जाते हैं लेकिन उनको वो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तब हम लोग ने सोचा कि इस स्कूल को कुछ बढ़ाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन करना चाहिए. हम इनके लिए जो आर्ट एक्टिविटी के लिए हम इनसे स्क्रैप बुक का यूज़ करते हैं, जिसपे वो अपने ही आस एनवायरनमेंट के आसपास से फूल पत्तियों से कुछ डायग्राम बनाते हैं जिसे हम क्राफ्ट कहते हैं. और हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब बच्चे का हम एडमिशन लेते हैं, ना उनके पेरेंट्स हमारे सामने हिंदी बोल पाते हैं ना इंग्लिश बोल पाते हैं, वो लोकल लैंग्वेज पर बोलते हैं. तो सबसे पहले तो हम बच्चों को लोकल लैंग्वेज से एक हिंदी लेवल पर लाते हैं कि वो हमसे बात कर सके, क्योंकि हम भी उनकी कई बार लैंग्वेज नहीं समझ पाते लोकल लैंग्वेज में. और फिर वो 6 महीने के अंदर ही इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि हमें फील ही नहीं होता है कि वो इस विलेजेस के बच्चे हैं. इट्स नॉट वेरी इजी यू नो टू लिव इन द मिडल ऑफ अ जंगल वेयर देयर आर वेरी लेस रिसोर्सेज एज फार एज क्वालिटी एजुकेशन इज कंसर्नड फॉर द एंड यू नो आई थिंक इट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई the forest staff still aspire to be in the cities rather than in the jungles. With an initiative like this where quality education can be provided right where they are in the, as well as when their parents are doing their great job of protecting the forests, is a fantastic thought and something that needs to be supported. This sort of a school is established in other tiger reserves or other parks. So this will certainly help the frontline staff to remain and stay there in such locations where we have the problem of good education. Currently we help support the school by providing them with resources, materials. Of course we're also donating money so that the staff can be paid, so that the teachers can be paid, we can get good teachers. People who come to a tiger reserve need to understand that there's much more to a tiger reserve than just tickets and tigers.